डॉक्टर से बचाओ, अरे बचाओ मुझे। पागल हो गया, लोग बोलते डॉक्टर साहब बचाओ, डॉक्टर साहब बचाओ, आप कह रहे डॉक्टर से बचाओ। अरे डॉक्टर बहुत पागल है, एक आदमी को जुकाम उसकी नक काट दी। तो आप क्यों भाग रहे हो? अरे मुझे तो जुलाब हुआ है। निकलो तशरीफ बचाओ अपनी। बचाओ, अरे बचाओ। अरे पकड़ा पकड़ा पकड़ा, मरीज भाग गया। कैसे डॉक्टर हैं आप? हैं? कोई मरीज को जुकाम होता, कोई इसकी नाक काटता है? हाँ, जुकाम वाले मरीज का अगर मैं हाथ काट दूं तो और भी बुरा लगेगा, इसको लगाओ वहाँ पे जाके। आप कौन है? मैं कपिल। अरे कपूर, मैं डॉक्टर मशहूर गुलाटी। याद है? हाँ हाँ याद है, जब तू छोटा सा था तब यहाँ पे कुत्तों की रेस हुआ करती थी। हाँ हाँ, और आप हमेशा जीतते थे। तो नहीं पहला। एक बार याद है तेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ था? कीड़ा नहीं लगा था, मेरे दांत में चॉकलेट थी, आपने निकाल के खा ली थी। ए, तुम नहीं पहले, चलो छोड़ो। नहीं नहीं छोड़ो नहीं, कुछ और पूछो, मजा आ रहा है। मजा तो तुमको आ रहा है, बेइज्जती तो मेरी हो रही है ना। अरे बेइज्जती से याद आया, आपकी बेटी कैसी है? बेइज्जती से कैसे याद आ गया यार? उसका मुंह थोड़ा ऐसा ही है। वाह, नहीं मुंह ऐसा नहीं, अब तो वो हीरोइन हो गया भाई। अच्छा, मैंने तो सुना अभी भी 2.5 फीट की 3 नंबर की चप्पल पहनती है। वैसे मैं उसकी हाइट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन बना रहा हूँ, कार्य प्रगति पे है। अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मैंने 4-सीटर हॉस्पिटल खोला है, आना कभी। 4-सीटर हॉस्पिटल? 4-सीटर तो टैक्सी होती है। वही बेच के तो लिया है। जल्दी आओ, oh जल्दी my God! क्या हुआ? Love at first sight. Oh, nurse, तुम्हें कितनी बार कहा कि प्राइमर तो कुछ सामने नहीं आना? ये तो भले आदमी लगता है। ये अपनी बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी आओ, मरीज को होश 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 आ गई। हैं? हाँ। मरीज को होश आ गई, जल्दी छुप जाओ भाई, छुप जाओ, मरीज को होश आ गई, डर लगा मारेगा। अरे मरीज को होश आया तो अच्छी बात है ना, आपको क्यों मारेगा? अरे साइकिल का पंचर लगवाने आदमी को बेहोश करोगे तो बाल में उठ के मारेगा ही ना। आपको शर्म नहीं आती आदमी साइकिल का पंचर लगवाने आया, आपने उसका ऑपरेशन कर दिया? मैं क्या करता है यार, सवेरे सवेरे बोनी का टाइम था, मैंने कहा चलो पहले हॉस्पिटल की बोनी कर लेते हैं। ये डॉक्टर होके साइकिल रिपेयर करते हैं? वो तो इसका पार्ट टाइम जॉब है, इसका फुल टाइम जॉब चाबी बनाने के लिए। हाँ तुम कहो तो तुम्हें किसी की भाभी बना दूं मैं। चाबी बनाते हैं भाई, टैलेंट है हमारा। चाबी बनानी थी तो हॉस्पिटल क्यों खोला? भाई वो तो क्या था, हॉस्पिटल बंद था, मैंने इसकी चाबी बनाई, खोल दिया, तब से इसी मोहल्ले में डॉक्टरी कर रहे हैं। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ओके। ओए, आई एम द डॉक्टर। खूबसूरत तो वो है ना? आई एम द डॉक्टर। क्या हो गया फिर? ये मैं 4-5 दिन नहीं नहाया तो फिर कौन सी बड़ी बात होगी यार। अरे शट अप, आप शाम को क्या कर रही हैं? ये ऑपरेशन कर रही हैं। क्यों? ऑपरेशन आप कर रहे हैं, ये तो फ्री है ना? हम कोरस में ऑपरेशन करते हैं। डॉक्टर साहब कोरस में गाना होता है, ऑपरेशन कहाँ होता है? नहीं नहीं होता है, मरीज लेटा हुआ है मान लो, मेरे को ऑपरेशन नहीं आता, ये फैक्ट है। तो उसके बाद हम लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं। सुनो। कहो। सुना? कहा? कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं। कुछ भी नहीं, अभी तो नहीं। उसके बाद तो क्या होता है, बचना बचाना से भगवान के हाथ में होता है, हम लोग क्या कर सकते हैं इंसान के रूप में। चलो नर्स डार्लिंग। हाउ मेनी टाइम्स आई टेल यू नॉट डार्लिंग, सिस्टर। सिस्टर होगी तो अपने भाई की। चलो रुको नर्स, मुझे कुछ हो रहा है। अब घबराओ मत, मैं हूँ। उल्टी आ रही है, सीधी करो इसको। आ जाओ, सीधी करो। अब मरीज को खतरे में छोड़ के ऐसे कैसे जा रही हैं आप? क्या हुआ आपको? मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये कैसा चक्कर है? ये थोड़ा नॉटी चक्कर है, जल्दी आ जाओ नहीं तो चक्कर चल जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस डॉक्टर के साथ क्या कर रही हो? उसका दिमाग खराब है। मेरे एक बात सुनो, इसको छोड़ो, मैं तुम्हें अच्छे से सलून में नौकरी लगवा के देता हूँ। सलून? हाँ? नहीं नहीं नहीं, पहला मैंने ना ये बुटीक में काम करती थी, वहाँ डॉक्टर आके बोला कि आदमी को सिलना और कपड़े को सिलना एक ही बात है, तो अभी मैं यहाँ काम करती हूँ, आप भी यहाँ ज्वाइन करो ना। अच्छा, हंसी आए ना, मजा आ रहा है लेकिन।
ये आदमी को तो पहले आप बुटीक में काम करती थी हाँ. तो हमारे लिए एक सूट ही सिल दो ना थोड़ा सा हाँ क्यों नहीं कैसे चाहिए ऐसे डीप नेक बैकलेस कुछ गजब का जेंट्स में ऐसे कैसे होता है अरे हम आपके लिए बनवा रहे हैं पर हमें क्यों जेंट्स सूट पहनना है दो चार इंजेक्शन अपने दिमाग में लगाओ समझ नहीं आ रहा सीधा सीधा लाइन मार रहा हूँ मैं आपको पल्ले नहीं पड़ रहा खबरदार खबरदार अगर लॉटरी को आपने कुछ कहा तो आप लॉटरी को कुछ नहीं कह सकते मेरा बड़ा प्यार है इनके साथ 3 साल से जानता हूँ इनको मैं लेकिन मैं इसको बचपन से जानता हूँ इसके चक्कर में मत पड़ना है बचपन में नाक में उंगली मारता था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मैं अकेला मार तो सारे मारते हैं वो तो हाँ तो उसके बाद मुंह में कोई नहीं डालता ये क्या बात हुई बात होना हो तेरी बेइज्जती तो होगी कि नहीं देखो मैं लॉटरी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपको पता है मैंने इनसे 2-3 लेडी सूट भी सिलवाए हैं हाँ और पहनते भी थी पक्का पहनते थी सब तू सूट पहनते थी इतनी खुश लड़की भी लाइट मार रहा है ओहो सारी बातें नहीं बतानी होती 3 मैजिकल वर्ड बोलो जिनको सुनकर मैं खुश हो जाऊं हाय हाय ओ चंदू चाय लाना अरे सुनो गिलास धो के लाना मलाई मार के लाना वैसे इंजेक्शन वगैरह भी लगा लेती होंगी आप मेरे पास बहुत खाली जगह कभी लगाइए ना डैडी डैडी कपूर कपूर तुम You know him? Of course I know him. मेरे बचपन का boyfriend है. ए, तुम्हें आ क्या कर रही हो? जाओ अंदर जाके डैडी को बुला कर लाओ. Go. वो देखो, उसकी exit पे भी मजा आता है, इसकी entry पे भी मजा नहीं आया. कपू. क्या कपू कपू कपू? कौन हो तुम? पढ़ता मैं था तुम तो मुर्गा बनी होती थी रोज पढ़ते हैं तुम बिल्कुल नहीं बदले अरे तुम इतने टाइम तक तुम नानी के घर क्यों नहीं आए कहाँ चले गए थे मुझे भूल गए थे हाँ भूल गया था मैं पर तूने आज भी वही व्हाइट जुराबे पहनी है ना पहचान गए तुम पहचानूंगा कैसे नहीं सेम बदबू 20 साल पुरानी वाली कपूर तुम कब मजाक करना छोड़ोगे चैनल ने इतना खर्चा किया हम मजाक करना छोड़ दें वाह खबरदार अगर तूने मेरी बेटी को छेड़ा तो छेड़ू लाल और मैं आपकी बेटी को नहीं छेड़ रहा हूँ आपकी बेटी मुझे छेड़ रही है बेटी तू छेड़ रही थी तू बड़ी होगी मेरे को बताया नहीं तूने हैं वाह मेरी बेटी सरला डैडी मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई वाह भाग दिया एक सेकंड तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीती हो हाँ चलो मेरे साथ मेरे को उनको देखना जिनको हरा के आई हो तुम ए खबरदार अगर मेरी बेटी को कुछ कहा तो तूने मैं देखने में जितना मासूम लगता हूँ उतना मैं मासूम हूँ नहीं हाँ बकरी की किडनी लगी है ना पापा को ये बोल के तूने मेरा सारा रोब खत्म कर दिया बकरी की किडनी क्यों लगवाई आपने बकरे किडनी क्यों लगवाई आपने तेरे को इतने जानने का शौक है तो तू लेट क्यों आया मैं ऑडियंस को पहले बता चुका हूँ यार अब मैं दोबारा बताऊँ तेरे लिए सही है मैं ये कह रहा था अगर मेरी बेटी की तरफ तूने जरा भी गंदी नजर डाली तो मैं सबकी नजर के सामने तुझे वहां से काटूंगा जिगर के पास और अगर किसी ने बता दिया कि कोई भी मेरी बेटी के पास रहता है वो हो तुम तो मैं छोड़ूंगा नहीं छोड़ना मैं भी कुमार जानू बन जाना फिर मेरी बात सुनो हाँ मुझे आपकी बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है अरे मैं क्यों करूंगा इसे शादी इतनी सी तो है ये हैं मैंने इसको हाइट बढ़ाने का इंजेक्शन दिया देखना मैं सिद्धू साहब से इसकी शादी कर दूंगा रॉन्ग नंबर लगा रहे हैं सिद्धू साहब की शादी हो चुकी है गुलाटी साहब अच्छा
मुझे लगा इतना हंसते रहते हैं अभी तक कुमार ही होंगे। चलो बात ही है। डॉक्टर साहब पेशेंट भाग रहा है। हैं? टांगे तोड़ा के पेशेंट भाग रहा, देखते हैं कैसा लगता है भाई यार। आ आ आ डैडी, डैडी आई। कपू, कपू। नानी। ए कपू, कपू। नानी सीढ़ी इधर है और बीच में कुछ नहीं है। पता है, पता है। आ जा। नानी कैसी है? जीता रहे, बैठ, 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 बैठ। मैं तेरी आरती उतारती हूँ। एक, दो, तीन, चार, बस। पता है मुझे। बैठ जा। अरे कहाँ टिक्का लगाई जा रही है? तेरी खोपड़ी इतनी नरम कैसे हो गई? अरे इधर नानी में हो गई मेरी आरती। छोड़ो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा मोहन, ये टॉयलेट का धंधा रोकना पड़ेगा। सर मेरे यहाँ पे आके कोई रोक ही नहीं सकता। सर आपने भी नहीं रोका। मेरा नाती आया है। नानी तुम्हें पता है कि छोटा हाथी आया है? एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप जरा तमीज से बात कर लीजिए। मैं कोई छोटा मोटा हाथी कोई छोटा मोटा पुलिस वाला नहीं हूँ। आई एम DIG। ओ दामोदर, पर तू DIG कब से बन गया? अरे नानी मेरा नाम है दामोदर ईश्वरलाल गायतोंडे, इंस्पेक्टर DIG। तो शांत रहे, ज्यादा चिल्ला मत। तुझे पता है मेरा नाती आया है? हेलो हेलो हेलो, हाय नाटी। माय सेल्फ मोहन, मोहन लैट्रिन सर्विसेज, सोल प्रोप्राइटर। सर आप भी आइए कभी मेरे लैट्रिन में सर। सर मोहन लैट्रिन घर जैसा लैट्रिन सर। इस मोहल्ले में सभी लोग मेरे घर आते हैं हल्का होने के लिए। ओनली 5 rupees पर प्लेट, सॉरी पर हेड। सर हमारा कोई ब्रांच ब्रांच भी नहीं है, धोखे से बच के रहिएगा। ओनली वन ब्रांच। तुम लोगों का मजबूरी का फायदा उठाते हो। बंद करना पड़ेगा, ऑल दिस हैज टू क्लोज। सर कुछ बंद मत करो सर, ये मेरा ब्रेड बटर है सर। मेरे मतलब मैं इसी का खाता हूँ सर। क्या मतलब सर, प्लीज बस करो सर, ऐसा प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आपके पांव पड़ता हूँ सर। किधर है सर? खबरदार अगर अपनी जगह से हिले अब तुम। अरे अभी मैंने बोला नहीं जा सकते। सर आप जाने वाले को रोक सकते हैं, लेकिन जाने वाले को जो आने वाला है उसको नहीं रोक सकते सर। आपका बंदूक देख के मेरा प्रेशर बढ़ गया सर। मैं आपको हफ्ता पहुंचा दूंगा सर, मेरे जाने से। टाइम पे हफ्ता पहुंचा देना, वरना पूरे मोहल्ले में डायपर बांट के तेरा धंधा बंद करवा दूंगा। नानी ये है कौन? मेरे बारे में पूछ रहे हो? दुबई की पुलिस में 2 साल काम किया है मैंने। वहां पे बड़े बड़े ऊंट की पीठ सीधी कर दी मैंने। वाह। अरे आप जिसकी पीठ पे बैठे वो सीधे ना वैसे हो सकता? ये तो कुछ भी नहीं है। उस दिन बॉर्डर पे मैं अकेला पहुंच गया। क्या बात कर रहे हैं? फिर क्या, टिकट काटा, अंदर एसी में आराम से बैठ के पूरी फिल्म देखी। धरती मेरी माँ। और आज जितनी भी शांति इस मोहल्ले में ना, इनकी वजह से है। सर आप बैठिए, कुछ लेते क्यों नहीं है? पूरे मोहल्ले से हफ्ता लेता ये। और है भी बड़ा बदतमीज, कई बार तो हफ्ते में 3 दिन हफ्ता ले जाता है। Why is it so noisy? अरे मेरे को खुद बढ़ाते, चलो चलिए भाग चलते कहीं। मैं भी बहुत तेज भागती हूँ। तो भाग यहाँ से। ए, खबरदार अगर इससे बदतमीजी से बात की तो। नहीं, इनको कुछ हुआ तो मैं नस काट लूंगी। अरे खबरदार अगर मेरी नर्स को काटा तो। डैडी, मैं अपनी नर्स की बात कर रही हूँ। लेकिन इलाज कराने आओगी मैं पैसे पूरे लूंगा। बेटी अपनी जगह, प्रोफेशन अपनी जगह। ये बात है बेटा, ये मेरा असूल है।
भाई अगर ये बात है तो बेटी के लिए हमारे दिल में भी जगह है। क्यों भाई, तुम भी इसको अपनी बेटी समझते हो क्या? अबे बुड्ढू, डंडा उठा के घुटने से ऐसे मारूंगा ना, कंफ्यूज हो जाएगा कि पढ़ने कहाँ से वाली है। ए! मेरे डैडी से ठीक से बात करो, तुम्हें इससे बात करो। अरे चिल्ला क्यों रही है गुटली? नानी मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? ए, मेरी नानी से ऐसे बात करती है? ए, खबरदार मेरी अगर बेटी से ऐसे बात की तो। आप लोग जस्ट स्टॉप फाइटिंग यार। तू चुप कर। खबरदार अगर मेरी जान को कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ए डॉक्टर, शांति से बात कर। तू शांति से बात करिए। शांति से तो बात कर रहा हूँ मैं। शांति से कोई बात कर रहे है क्या? पागल औरत, शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए, शांति, 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 शांति। एक मिनट, मैं कब कितनी देर से क्या कर रहा हूँ? यही तो कह रहा हूँ, शांति, शांति करो, शांति कर सकते हो? शांति, 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 लिखा है मोहन टॉयलेट ऑपोजिट सिद्धू पाजी। और सिद्धू पाजी तो यहाँ है। नमस्ते सिद्धू पाजी। हेलो हेलो, यस हाँ कौन? अरे नहीं यार, हाँ अरे नहीं यार, वहां पे ना वो मुन्ना का उधार बड़ा हो गया था, मैं नानी के घर शिफ्ट हो गया हूँ। कौन, मुन्ना ही बोल रहा है? तो मेरे फोन पे हरामखोर लिखा क्यों आ रहा है? अरे मैंने सेव किया होगा। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया मर जाएं। अरे टाइगर, आज श्रद्धा के लिए बहुत आ गया। अरे टाइगर, हाँ ये श्रद्धा। अरे क्या बात है ये, तुम यहाँ कैसे? अरे दो महीने से ऐड चल रही, तुम्हें नहीं पता? अरे पाजी, आपने बागी का ट्रेलर देखा? क्या कमाल का काम किया है, और कमाल का स्टंट, कमाल का रोमांस, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। और टाइगर के स्टंट पाजी आपका दिल लूट लेंगे। टाइगर यहाँ पे कुछ स्टंट करने वाले हैं आप? सर उससे पहले मुझे, क्या बात है, छोटी उंगली से स्टंट करेंगे क्या? तोड़ के दिखाएंगे इससे आप? गलत समझे आप, आई एक्चुअली ज्यादा पानी पी ली थी सेट पर, तो आई हैव टू रेडी। पानी पीना अच्छा बात है, और मंगवाओ पानी आपके लिए। जी निकालनी भी तो पड़ती है। अच्छा ये बताओ आपका वॉशरूम कहाँ है? हमारा, हमारे घर में तो वॉशरूम है, लेकिन वो मेरी नानी सो रही है अंदर। ये डॉक्टर है ना, उसने उसका ऑपरेशन खराब कर दिया बेचारी, तो वॉशरूम में सो जाती है, बेडरूम में कपड़े धोती है, परसों वॉशिंग मशीन में आटा गूंथ रही थी, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। पर आपको ये कार्ड किसका है? ये मोहन लाल, मोहन शौचालय ऑपोजिट सिद्धू पाजी। ऑपोजिट सिद्धू, अरे ये तो अपना, ए मोहन क्या इतना चिल्लाता है? ए धंधे के टाइम में ऐसे जोर जोर से चलेगा, दो कस्टमर भागने वाला था। ये श्रद्धा कपूर, हम टाइगर श्रॉफ। नमस्ते। नमस्ते, माई सेल्फ मोहन, मोहन लेटरिन सेंटर का इकलौता मालिक। हेलो, इंट्रोडक्शन देखो कैसे दे रहा है, जैसे बड़ी एयरलाइंस का मालिक है। लेके जाओ टाइगर भाई को अंदर, लेके जाओ वॉशरूम जाना। वॉशरूम प्लीज। सॉरी सॉरी, इनको नहीं लेके जा सकता। क्यों? पूरा फुल है, और एक जो खाली है उसमें कुंडी नहीं है, कुंडी में उंगली डाल के बैठना पड़ेगा। अरे बोलता तो ऐसे जैसे बड़ा हाई फाई बाथरूम, तो कुंडी नहीं लगवा सकता अंदर? अरे कुंडी की क्या जरूरत है, वैसे भी अंदर कौन सा खजाना है जो लूट जाएगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।